वेलकम टू मारो फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू गेट अ घोस्ट, ये सब वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ कि घोस्ट का बायोमेट्रिक्स कहाँ से मिलने वाला है। जब भी मैं कुछ का अच्छा काम करने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। तो ठीक है, तो घोस्ट का बायोमेट्रिक्स आपको कहाँ से मिलेगा बताता हूँ। ये घोस्ट का बायोमेट्रिक्स मिलेगा आपको डेली 20 बायोमेट्रिक्स, ये दिख रहा है, जो पैक बाय करूँगे सिर्फ उसी में से मिलेगा और बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये घोस्ट नाम का कैरेक्टर जो है, ये सिर्फ वहीं से मिलेगा और बाकी कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बात सब लोग नोटिस कर लो, हाउ टू गेट घोस्ट, और ना ही इसको हम लोग कुछ बायोमेट्रिक्स बाय मतलब सेक्टर ना दे सकते और इसको रैंक अप टिकट चढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि इसको हम लोग कोई भी बायोमेट्रिक सेक्टर है, 90 सेक्टर है या फिर कुछ भी हो, तो वो इसको हम लोग नहीं चढ़ा सकते। वो एक इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने आज का तो मेरा जो भी डेली बायोमेट्रिक्स था तो मैंने इसको दे दिया। मैं बोला चलो इसको ला लेता हूँ। 3 स्टार का, 4 स्टार का, 5 स्टार का, कितने भी स्टार का बनता ही है, मैं देखता हूँ, मैनेज करूँगा। और ये अच्छा कैरेक्टर है, बुरा कैरेक्टर नहीं है। इसको आप चाहे तो यूनिफॉर्म भी बाय कर सकते हो। यूनिफॉर्म बाय करने के बाद तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ये। उसके बाद में यहाँ पर गोलत का बायोमेट्रिक्स सेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद में अरे यार, जो वास्प की मॉम है, उसका बायोमेट्रिक्स भी आपको डेली 20 बायोमेट्रिक्स से मिलेगा। लेकिन वास्प का लेने का कोई फ़ायदा है, थोड़ा बहुत है, वास्प से तो बेटर है। लेकिन वास्प जैसी है, सेम वैसी है, लेकिन थोड़ा उसको लेने के ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा पावर मिलेगा आपको अगर ये वास्प की मॉम को लिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मैं थोड़ा सा स्किल्स तो देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्सल में जाके इसका कैरेक्टर के स्किल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा। उसके बाद में इसका लीडरशिप क्या है, डॉज रेट इंक्रीज 1%। अरे यार, ये तो बड़ी गलत चीज़ कर दी, डॉज रेट इंक्रीज 11%। अरे डेवअप देता तो मज़ा आ गया होता, लीडरशिप इसकी अच्छी नहीं है। बाद में इसका इंक्रीज 15% ऑल अटैक, टायर 1 पैसिव। उसके बाद में इसका टायर 2 180% इंक्रीज डैमेज और गारंटी डॉज रेट बाय 25%। बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट किसका, गोलत का देखते हैं। गोलत को डायरेक्ट टायर 2 कर दिया मैंने। और उसके बाद में इसका एनर्जी फिजिकल अटैक है वो 45% है, तो ये लीडरशिप के इसमें काम आएगा गोलत। इसका टायर 2 करने के बाद इसका मिलेगा डिक्रेस डैमेज 30%, इंक्रेस 32%, बाउंस डैमेज 15%। हल्क बस्टर के अंदर भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, टायर 2 का जो है पैसिव वो वैसे सेम है। उसके बाद में इसके स्किल, हर एवरी स्किल में, एक स्किल्स को छोड़ के सारे स्किल्स में इसके स्टन का दिया हुआ है। उसके बाद में इसके स्किल नंबर 5 में इनविजिबल है 4 सेकंड्स के लिए, गोलाथ का जी। चल भाग चल रे बाबा। नेक्स्ट मेरे को मिशन प्ले करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा कि कहाँ से इसका बायोमेट्रिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। घोस्ट का बायोमेट्रिक्स आपको सिर्फ वहीं से मिलेगा, डेली 20 बायोमेट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और आपको जो वास की मॉम है, उसका भी आपको बायोमेट्रिक्स वहीं से मिलेगा। अब बची कुची रही बात एंटमैन एंड वास्प की, तो आपको डेमोलिशन डेब्रिस जो स्टेज है वहाँ से दोनों के बायोमेट्रिक्स मिल जाएंगे, और जायंट मैन का भी वहीं से मिल जाएगा, और अल्ट्रॉन का भी वहीं से मिल जाएगा। तो अल्ट्रॉन का तो कोई नया सूट है नहीं, जायंट मैन का सूट है वो, एक बात कंफर्म कर देता हूँ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरा से, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, 1000 सब्सक्राइबर हो गए इस बात पर पार्टी तो बनती है। मेरा रिकॉर्डर का बटन कहाँ गया